हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, नर लिंग सहायक ग्रंथियां। मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स नर लिंग सहायक ग्रंथियां पढ़ेंगे आज हम लोग। ये जो है, चूंकि ग्लैंड्स है तो क्या करेगा, इट सेक्रेट्स, ग्लैंड सेक्रेशन का काम करता है, तो इट सेक्रेट्स फ्लूइड्स, तरल पदार्थों का स्राव करता है, जो बहुत सारे केमिकल्स एंजाइम्स अपने आप में रखते हैं। इसके अंतर्गत इट इंक्लूड्स, इसके अंतर्गत आते हैं सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। इस तरह से मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स ये तीन हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या काउपर्स ग्लैंड्स। ये तीनों ग्लैंड्स का हम लोग पोजिशन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखे थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये लोग कहाँ कहाँ है उसको हम लोग ढूंढते हैं, अपने आप सब हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग देखे थे कि यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है। इसी यूरिनरी ब्लैडर के पास ये जो हम लोग का भास डिफरेंस भास डिफरेंस जो नली था, वो यूरिनरी ब्लैडर के पास जाकर लूप बनाते हुए डिसेंड कर रहा था, नीचे की ओर उतर जा रहा था। इसी के पास जो है एक सैक लाइक, लंबा सा सैक लाइक ग्लैंड्स पाया जा रहा था। ये चीज हम लोग पहले भी देखे थे। इसी तरह से इधर भी भास डिफरेंस, ये है अपना सेमाइनल वेसिकल्स। तो ये सेमाइनल वेसिकल्स जो है, सेमाइनल वेसिकल्स कहाँ होगा, यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर पाया जाएगा। और इसकी संख्या कितना होगा, तो वन पेयर सेमाइनल वेसिकल्स कितना होगा, वन पेयर, और कहाँ होगा, एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के आधार पर जो है, इस फोटो में देखकर ही हम लोग इसकी सारी बातें जान सकते हैं। तो सेमाइनल वेसिकल्स की संख्या वन पेयर हुआ, इसका जो है पोजीशन क्या है, तो यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर है। और ये जो है सेमाइनल वेसिकल्स सेमाइनल फ्लूइड का सेक्रेशन करता है, सेक्रेट्स सेमाइनल फ्लूइड, ये सेमाइनल फ्लूइड का स्राव करता है। तो सेमाइनल फ्लूइड जो है ये अपना भास डिफरेंस, सेमाइनल फ्लूइड जो है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं,
जैसे फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज जो है प्रोवाइड्स एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म, स्पर्म को, फ्रुक्टोज जो है स्पर्म को एनर्जी प्रदान करता है ताकि उसका मूवमेंट हो सके। फ्रुक्टोज के अलावा प्रोस्टा ग्लैंडिंस होता है जो कंट्रैक्ट्स यूटेरस, गर्भाशय को सिकुड़ाता है। गर्भाशय को सिकुड़ाता है और क्लाइंबिंग ऑफ स्पर्म अपवार्डली, ये गर्भाशय को सिकुड़ाता है जिससे स्पर्म गर्भाशय पर ऊपर की ओर चढ़ता है। इसके अलावा फ्रुक्टोज प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अलावा भी इनोसिटोल, साइट्रेट्स इत्यादि जैसे केमिकल्स पाए जाते हैं। तो इतना बात सेमाइनल वेसिकल्स के बारे में है। तो सेमाइनल वेसिकल्स की संख्या कितना हो गया, हम लोग डायग्राम में देख के बोलेंगे। मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हम लोग फोटो बनाए हुए थे उसमें पोजीशन देखिए सेमाइनल वेसिकल्स का, और बोलिए अपने से लिखिए, याद करिए। तो वन पेयर हो गया, कहाँ होगा, तो यूरिनरी ब्लाडर के पास, यूरिनरी ब्लाडर के बेस पर, मूत्राशय के आधार पर। और चूंकि सेमाइनल वेसिकल्स है तो इससे जो सेक्रिशन निकलेगा उसको सेमाइनल फ्लूइड कहेंगे, सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल तरल कहेंगे। और इस सेमाइनल फ्लूइड में फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज पाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाया जाता है। इसके अलावा ये सभी केमिकल्स पाए जाते हैं जिसमें जो है फ्रुक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की रोल जो है महत्वपूर्ण है। तो फ्रुक्टोज जो सेमाइनल फ्लूइड में पाया जाता है उसका क्या कार्य है, तो वो स्पर्म को इनर्जी प्रदान करता है, प्रोवाइड्स इनर्जी टू स्पर्म, स्पर्म के मूवमेंट के लिए इनर्जी चाहिए, वो इनर्जी ये फ्रुक्टोज से प्राप्त होता है जो सेमाइनल फ्लूइड में पाया जाता है। और जो सेमाइनल वेसिकल से शुरुआत होता है, इसके बाद जो है ये यूरिनरी ब्लाडर से आने वाले रक्त यूरिनरी ब्लाडर से आने वाले डक्ट और दोनों ओर के जो है ये जो है इजिकुलेटरी डक्ट हुआ, इजिकुलेटरी डक्ट। हम लोग पहले भी देखे थे कि इस सेमाइनल वेसिकल्स का डक्ट और ये भास डिफरेंस दोनों डक्ट मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाता है जिसे हम लोग इजिकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो इन दोनों ओर के इजिकुलेटरी डक्ट और यूरिनरी ब्लाडर के डक्ट जो है तीनों आके मिलकर जो है कॉमन डक्ट बनाता है और यूरेथ्रा का निर्माण करता है। इसी इसी ज्वाइनिंग के पास, इसी जंक्शन के पास जहाँ पर दोनों ओर के इजुकुलेटरी डक्ट और यूरिनरी ब्लाडर के डक्ट आके जो है ज्वाइन करते हैं, वहीं पर एक बड़ा सा व्हाइट ग्लैंड पाया जाता है जो यूरेथ्रा को घेरता है। इस बड़ी ग्रंथि को ही हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। तो पहले जो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में क्या होगा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड वन होगा, सिंगल एक ग्लैंड सिंगल होगा, एक ही होगा,
लार्ज होगा और व्हाइट होगा, सिंगल लार्ज और व्हाइट होगा। और ये कहाँ होगा? सराउंड्स यूरेथ्रा, ये जो है सराउंड मैंने घेरता है, यूरेथ्रा को घेरता है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा को घेरता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सिंगल लार्ज व्हाइट सराउंड्स द यूरेथ्रा, कहाँ पर? जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर का नली, मूत्राशय की नली और दोनों ओर की एजुकुलेटरी डक्ट जहाँ पर मिलते हैं, यूरेथ्रा बनाते हैं, यूरेथ्रा में मिलते हैं, उसी ज्वाइनिंग के पास जो है ये एक बड़ी सी ग्रंथि जो है उसको यूरेथ्रा में घेरता है जिसको प्रोस्टेट, इसी जो है एक एक स्राव होता है मिल्की व्हाइट कलर, मिल्की व्हाइट फ्लूइड, दुधिया रंग का तरल, दुधिया रंग का तरल स्राव होता है। ये दुधिया रंग का तरल जो है गढ़ा चिपचिपा होता है और आके यहाँ पर जो है स्पर्म के साथ मिलता है, यहाँ से सीक्रेट होकर यहाँ पर जो है स्पर्म के साथ जो है मिल जाता है और स्पर्म के मूवमेंट में मदद करता है, स्पर्म को जो है ज़्यादा जो है एक्टिव कर देता है, उसके मूवमेंट को बढ़ा देता है। इसके अलावा जो है इसमें जो है बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड, इत्यादि केमिकल्स पाए जाते हैं। और ये बाइकार्बोनेट जो होता है, बाइकार्बोनेट ये जो है इस फ्लूइड को, सीमेन को अल्कलाइन बनाता है, मेक्स सीमेन, सीमेंट का मतलब वीर्ज होता है, अल्कलाइन, अल्कलाइन मीन्स क्षारीय। तो सबसे बड़ा जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के सेक्रीशन में जो एक बाइकार्बोनेट आयन होता है, वो बाइकार्बोनेट आयन जो है वीर्ज को, सीमेन को अल्कलाइन बनाता है। इसके बाद जो है यूरेथ्रा आगे बढ़ते हुए अपना जो है वहाँ से यूरेथ्रा जो है आगे की ओर बढ़ता है और जाकर जो है इस यूरेथ्रा का एक बल्बस, थोड़ा सा यूरेथ्रा आगे चलकर थोड़ा सा यूरेथ्रा जो है मैंने स्वेल कर जाता है, फूला रहता है, बल्बस कर जाता है। और यहीं पर जो है, यहीं पर जो है एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स कहते हैं, या इसको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। और यहाँ से जाके आगे जो है यूरेथ्रा पेनिस के अंदर जो है इंटर कर जाता है, पेनिस के अंदर इंटर कर जाता है। तो चूंकि इसका नाम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स इसलिए है क्योंकि ये जो है बल्बस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में पाया जाता है, ये जो थोड़ा सा यूरेथ्रा का जो स्वेल पार्ट फूला हुआ भाग रहता है, तो वो बल्बो यूरेथ्रल इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि बल्बस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा पर जो है पाया जाता है, इसलिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स नाम है। और काउपर्स नामक जो है वैज्ञानिक इसको जो है स्टडी किया है, इसीलिए इसका नाम काउपर्स ग्लैंड पड़ा। कि काउपर्स ग्लैंड जो है इसका नंबर कितना होगा? 1 पेयर होगा। और ये कहाँ पाया जाएगा? बल्बस पार्ट ऑफ यूटेरस। और ये जो है सेक्रेट्स म्यूकस, म्यूकस, म्यूकस का मतलब हो गया गढ़ा चिपचिपा द्रव,
तो एक गाढ़ा चिपचिपा द्रव का स्राव करता है, इससे जो है म्यूकस निकलता है, और ये म्यूकस जो है म्यूकस हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस के लुब्रिकेशन में, लुब्रिकेशन का मतलब हो गया स्नेह मतलब उसको चिकनाई प्रदान करना, लुब्रिकेशन का मतलब चिकनाई प्रदान करना। तो ये म्यूकस जो है हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, इस तरह से जो है ये तीनों इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, मेल एसेसरी ग्लैंड है। अब इस तीनों जो है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों का सिक्रीशन जो है, इस तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन जो है सेक्रीशन स्राव इसे जो निकलता है, सेक्रीशन ऑफ दीज थ्री ग्लैंड्स, ये तीनों ग्लैंड्स के जो स्राव है उसको हम लोग कंस्टिट्यूट्स बनाता है, निर्मित करता है, ये तीनों ग्लैंड्स का जो स्राव होता है वो बनाता है सेमाइनल प्लाज्मा। यहाँ पर हम लोग एक शब्द मिला सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा क्या है? तो सेमाइनल वेसिकल से निकलने वाला फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला फ्लूइड, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से निकलने वाला फ्लूइड, तीनों जो है तीनों फ्लूइड एक साथ जो है जो मिक्सचर बनाता है, जो फ्लूइड का मिक्सचर बनाता है उसी को हम लोग सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। ये सेमाइनल प्लाज्मा जो है रिच इन फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड मेनी एंजाइम्स, मतलब तीनों ग्लैंड से जो जो भी चीज निकलता है वो सब जो है सेमाइनल प्लाज्मा में पाया जाता है। तो रिच इन मतलब इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है फ्रुक्टोज कैल्शियम और अनेक एंजाइम पाए जाते हैं सेमाइनल प्लाज्मा में। इस तरह से हम लोग का मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में इतना है। फिर अगर